राजी, तलवार और अब छपाक। मेघना गुलजार दोस्तों वो डायरेक्टर हैं जो कि बहुत ही सेंसिबल तरीके से सेंसिटिव मुद्दों को उठाती हैं और उसके बाद उन्हें इस तरीके से टैकल करती है कि सामने लोग वाहवाही करते थकते नहीं हैं। और छपाक के ट्रेलर को देखने के बाद कुछ ऐसी ही मेरी मनोव्यथा है। नमस्कार, मैं हूं राहुल भोज, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल में। बात करते हैं दोस्तों दीपिका पादुकोण स्टार फिल्म छपाक के बारे में। ये वो सेंसिटिव मुद्दा है दोस्तों जो कि हमारे इंडियन सोसाइटी को दीमक की तरह खाया जाता है। आपको बता दो, जब भी कोई लड़की किसी लड़के का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करती, या तो उस पर तेजाब डाल दिया जाता है या फिर उसका चेहरे पर ब्लेड चला दिया जाता है। और यहाँ पर दोस्तों तेजाब का मुद्दा है। यहाँ पर किस तरीके से प्यार में धोखा खाए एक आशिक ने दीपिका पादुकोण के कैरेक्टर के ऊपर यानी कि मालती के ऊपर एक तेजाब उड़ेल दिया दोस्तों, और उसके बाद उसकी पूरी जिंदगी चेंज हो गई। किस तरीके से मालती इन सिचुएशन से लड़ेगी, किस तरीके से वो अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जो मोरल है, उसको बूस्टअप करेगी और जनता के सामने आएगी, यही है छपाक की कहानी। एंड लेट मी टेल यू, ये एक नई बवार चलेगी जो कि बॉलीवुड क्या पूरे इंडियन सोसाइटी को झकझोर के रख देगी। बात करें अगर दोस्तों इस ट्रेलर की, सबसे खास बात है कि ये बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। चाहे वो दीपिका पादुकोण का मेकअप हो, चाहे वो सिचुएशन हो, यार मैंने देखा है दिल्ली में किस तरीके से जंतर मंतर ले लीजिए या फिर राष्ट्रपति भवन ले लीजिए, उनके आगे धरने होते हैं। सो ये वही धरने इसमें दिखाई दिया है, बिकॉज आई हैव विटनेस दैट थिंग ऑल्सो, सो आई कैन रिलेट विद दैट। एंड ऐसा ही सेम होता है, पुलिस इस तरीके से ही लाठी चार्ज करती है, पुलिस इस तरीके से ही वाटर कैनन छोड़ती है, इसी तरीके से वहां पर जनता का आक्रोश होता है कि आखिरकार ये क्या हुआ। आपको बता दो दोस्तों, तो ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट पर बेस्ड कहानी लग रही है जो कि उन तमाम एसिड विक्टिम्स का सपोर्ट करेगी। और ये फिल्म दोस्तों एक नए नस्ल की फिल्म होने वाली है जो कि समाज में सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से फिल्म नहीं बनाई जाएगी, एक मोटिव के साथ, एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य के साथ, एक मैसेज के साथ फिल्म बनाई जाएगी। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फिल्म। बाय द वे, इस फिल्म का क्लैश दोस्तों तानाजी के साथ हो रहा है जो कि 10 जनवरी 2020 को रिलीज हो रही है। आप लोगों का क्या रिएक्शन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड दीपिका पादुकोण के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसमें विक्रांत मैसी चल रहे हैं दोस्तों, तो उन्हें देखना भी दिलचस्प होगा। आपको क्या है कहना, आपको छपाक का ट्रेलर कैसा लगा, क्या आपको भी गूज़बम्प्स आए या नहीं आए, कमेंट सेक्शन में बोलिए। और बने रहिए चैनल के साथ, कीप ऑन वॉचिंग।